आज मैं लाया हूँ एक छोटा सा वर्ड बैग जो देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन अक्सर लर्नर इसके इस्तेमाल में कंफ्यूज हो जाते हैं। बैग का मतलब होता है सहायता करना, मदद करना, और बैग का मतलब होता है पीछे की ओर। तो अक्सर लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ड बैग एक नाउन है, एक वर्ब है, एक एडजेक्टिव है और एक एडवर्ब है। और जब वर्ड बैग का यूज हम एक नाउन के जैसे करते हैं तो इसका मतलब होता है पीठ, जैसे देयर इज अ बैग ऑन माई बैग, यानी मेरी पीठ पर एक बैग है। अगर आपको कहना हो व्हाट इज ऑन योर बैग, तो सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि तुम्हारे पीठ पर क्या है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि बैग का मतलब पीठ। जब वर्ड बैग का यूज हम एक वर्ब के जैसे करते हैं तो बैग का मतलब होता है सहायता देना या मदद देना, जैसे मैं आपको मदद दूंगा या मैं आपको सहायता दूंगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल बैक यू, मुझे कौन सहायता देगा या मुझे कौन मदद करेगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हु विल बैक मी, यानी मेरी मदद कौन करेगा, कोई मेरी मदद करता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे समवन बैक्स मी, यानी कोई मेरी सहायता करता है या मदद करता है। जब वर्ड बैक का यूज हम एक एग्जेक्टिव के जैसे करते हैं तो इसका मतलब होता है पीछे, जैसे ही इज बैक, वह पीछे है। हु इज बैक, कौन पीछे है। अ डॉग इज बैक, एक कुत्ता पीछे है। आइए फ्रेंड्स बैक का लास्ट यूज देखें। वर्ड बैक एक एडवर्ब बन जाता है जब इसका इस्तेमाल हम किसी वर्ब के बाद करते हैं, और यहाँ पर इसका मीनिंग होता है वापस। जैसे अगर आपको कहना हो मैं वापस घर आया, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई केम बैक होम, मैं मुंबई से वापस आया। आई केम बैक फ्रॉम मुंबई, वह वापस ऑफिस आई। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी केम बैक ऑफिस। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ सीखा कि यहाँ पर वर्ड बैक एक एडवर्ब है जो किसी वर्ब के बाद आया हुआ है, और यहाँ पर इसका मीनिंग हुआ वापस। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको